दैट्स व्हाई स्टॉक इज वैल्यूड एट व्हाट वैल्यू कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस ड्यू टू विच कंसेप्ट काफी सारे बिजनेसेस बड़े बड़े बिजनेस बड़े बड़े आप इसमें झोल कर वो लोग क्या करते हैं स्टॉक का वैल्यू एक्चुअली कम वैल्यू में दिखाना चाहिए लेकिन दिखा देते हैं हायर वैल्यू जस्ट टू बूस्ट अप द शेयर प्राइस जस्ट टू बूस्ट अप द शेयर प्राइस स्टॉक का वैल्यू होगा 5 करोड़ दिखा देगा 7 करोड़ क्या हो गया 7 करोड़ दिखा दो प्रॉफिट बढ़ गया अच्छा दिखेगा कंपनी शेयर प्राइस बढ़ गया फिर नेक्स्ट ईयर पता चलेगा फ्लॉप बेचते वक्त ये तो अरे लॉस नहीं आ रहे अरे अरे एरर ऑफ जजमेंट उसको तो पैसा मिल गया वो अपना शेयर बेच के निकल गया प्रमोट बिग झोल हैपेंस इन स्टॉक वैल्यूएशन द स्टॉक इज वैल्यूड एट विच प्राइस कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस ड्यू टू विच प्रिंसिपल कंजर्वेटिव एंड स्टॉक होता क्या इस साल का प्रीपेड एक्सपेंस स्टॉक होता क्या इस साल का प्रीपेड एक्सपेंस तो उसका इफेक्ट क्या है क्या वो इस साल के एक्सपेंस को बढ़ाएगा कि घटाएगा स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक एक्सपेंस को बढ़ाएगा कि घटाएगा घटाएगा कि बढ़ाएगा मुझे बोलो आपने 10 लाख का परचेज किया कितने का 10 लाख का परचेज किया है और एंड में 2 लाख का बच गया परचेज मतलब सब खर्चा वर्चा सब 10 लाख का किया 2 लाख का बच गया क्या करना है 2 लाख को एड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना सब्ट्रैक्ट करने के बाद कौन से साइड रिकॉर्ड ट्रेडिंग एंड उसको किसमें कन्वर्ट कर एक्सपेंस घटाओ एसेट बढ़ाओ नेक्स्ट ईयर वो 2 लाख क्या बन गया ओपनिंग स्टॉक व्हाट इज ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंस ऑफ इट ईयर नेक्स्ट ईयर वो बिक जाएगा इज दिस क्लियर गॉट इट समझा इफेक्ट एंट्री फॉर क्लोजिंग स्टॉक इज फॉर क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग मतलब क्या क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग मीन्स वॉट स्टॉक इज एसेट एसेट बढ़ा टू डेबिट और ट्रेडिंग ट्रेडिंग क्रेडिट मतलब क्या एक्सपेंस बढ़ा कि घटा घटा लॉजिक जा रहा है दिमाग में ये बात क्लोजिंग स्टॉक एसेट एसेट बढ़ा टू डेबिट और ट्रेडिंग क्रेडिट होने का मतलब ट्रेडिंग इज नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट हुआ मतलब लाइक एन इनकम इनकम मीन्स इट इज रिडक्शन ऑफ एक्सपेंस तो इधर इनकम बढ़ा मतलब एक्सपेंस घटा एक्सपेंस डिक्रीजेस एंड एसेट इंक्रीजेस तो स्टॉक में क्या होता है एसेट बढ़ता है और एक्सपेंस घटता है दिमाग में 70 किटा 20 कॉन्सेप्ट सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए इसको टाइम बाकी सब चिंदी चिंदी दो तो मैंने अभी करवा दिया डेप्रिसिएशन अप्रिसिएशन आने का वो सब एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन अप्रिसिएशन आने का 5 एडजस्टमेंट हमारे ऐसे ही हो सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक अभी सम करते हैं सम के साथ बताता हूँ कैसे दिखाना है इसको अभी है ना हर एक सम आपका 2 साइड्स पे जाएगा इतने साइड्स पे टेक 2 साइड्स फॉर एवरी सम एंड 2 फ्रंट साइड्स यूज ओके टेक 2 फ्रंट साइड्स लिख दो इन द बुक्स ऑफ सर कितने सम कराओगे एक ही करना ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंड 2 साइड चाहिए 2 फ्रंट साइड्स यू टेक सर पेज नंबर 2 फ्रंट साइड्स उसके पीछे ये पेज 114 इन द बुक्स ऑफ वी आर डूइंग फॉर कल्पना ट्रेडर्स The books of Kalpana traders trading account for the year ended 31st March 2009 इसका फॉर्मेट है पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज अमाउंट रुपीज अगेन पर्टिकुलर नॉर्मल जर्नल बनाओ जी जर्नल नहीं है ये ट्रेजर है इस वक्त दो अमाउंट क्यों इनर एंड आउटर बोल रहे ना प्लस माइनस के लिए करूंगा बताओ बीआरएस के जैसा सब टोटल की पहला लेक्चर
पहला लेक्चर का देखा क्या वीडियो? हाँ सर मैंने सब देखा। दो प्रेस है प्रॉफिट, एक सेकेंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। ट्रेडिंग और पीएनएल के बीच में 1/3 2/3 का स्पेस है। ट्रेडिंग एक ही साइड, एक ही साइड पे 1/3 2/3। ट्रेडिंग छोटा, पीएनएल बड़ा। ड्रॉ करो बड़ा पर। सर तो हमें काले वन क्लास दे सो। हाँ सॉरी, नो सॉरी नो। क्या है बिल्कुल सर? कल तो मैच है। कौन सा मैच है? कौन सा मैच है सर? सर छुट्टी दे दो सर, इतना एग्जाम के लिए चेंज। चलो अरे चीज ले बे साइड पर। अच्छा वो एक साइड पर लेफ्ट वालों ने, एक साइड पर राइट वालों, वहां पर अमन हुए। अरे टू फ्रंट साइड पर, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। अरे रुक दे यार, नहीं राइट साइड में बनाना है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2009। दिस इज लायबिलिटी अमाउंट एंड एसेट्स अमाउंट। ड्रॉ फर्स्ट बचपन से चावल चल और बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट मत लिख दर, क्योंकि बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट, इट इज जस्ट अ स्टेटमेंट। ओके चलो गाइस क्विक, सर काले क्लास दस वगैरह किसे बोलो? सर काले क्लास ना राखी सब सर क्लास और दिवस के अकाउंट्स करिए 17 सही है। बदा रोज रे वाले सर कल 10 बजे सर प्लीज 10 बजे सर ठीक है कल 10 बजे कल 10 बजे आओ बस सर सारे बट पोर्शन तो जा रहा है ना आगे होगा बोला तो सही लेकिन सब बैचेस पेज पे जाएगा तुम्हारा पहले खत्म हो जाएगा बाद में छुट्टी मिलेगा खत्म हो जाएगा सिंगल एंट्री है उसके बाद टेस्ट है फर्स्ट वीक ऑफ मार्च एवरीथिंग वुड बी डन प्रॉपर सेकेंड थर्ड वीक में तो एग्जाम है तुम्हारा चलो ध्यान दो अभी सर रुको एक मिनट बनाएंगे दो चार चीजें है ना आप हमेशा हर एक सब में लिख के रखो ये आते ही है
सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक फर्स्ट सम, फिर टू परचेजेस लेस रिटर्न्स, इधर बाय सेल्स लेस रिटर्न्स, और इधर कैपिटल लेस ड्रॉइंग्स। फिर नहीं है तो नील कर देना, बट ये दो चार आइटम्स लिख के रख दो। और एक और माइट कंपल्सरी लिख के रखोगे तो बेटर है, टाइम सेव होएगा। हर एक सम में ये रहते ही है, नहीं लिखा तो बाद में लिखना। और ये प्रेजेंटेशन वाइज ये टॉप पे होना चाहिए। ओपनिंग स्टॉक सबसे पहला आइटम, फिर परचेज लेस रिटर्न, इधर सेल्स लेस रिटर्न, कैपिटल लेस ड्रॉइंग्स। ओके, अच्छा मुझे बताओ ओपनिंग स्टॉक के दो इफेक्ट होंगे कि एक? एक, क्योंकि वो रिकॉर्डेड। व्हाट इज ओपनिंग स्टॉक यू नो? लास्ट ईयर का स्टॉक तो रिकॉर्ड हो चुका है, इट विल हैव जस्ट वन इफेक्ट, दिस ईयर का एक्सपेंस, दैट्स इट। बट क्लोजिंग स्टॉक विल हैव हाउ मेनी इफेक्ट्स? एक ये ईयर का और एक नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस होगा। नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग एसेट, हां दो दो दो, एक इधर और एक एसेट। इस साल वो एसेट है, नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस का होता है ना, लेस फ्रॉम एक्सपेंस एंड एसेट, वही। अभी प्रॉब्लम कैसे करने का, पहले तो क्वेश्चन देखो, पेज 114 पे क्वेश्चन 1 दिख रहा है आपको, ध्यान दो, पेज 114 पे क्वेश्चन 1, फोकस मिला? हाँ। पहले पेंसिल लो और मार्क करते जाओ, हर एक आइटम कहां जाएगा, ओके, बाजू में लिखते जाओ। स्टॉक अभी देखो, फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ कल्पना ट्रेडर्स एज ऑन 31st March 09। You are required to make trading account and P&L account for 31st March 09 and balance sheet as on that date. Mila? Stock on 1/4/2008. Agar aap 31st March 09 ka final accounts bana rahe ho aur stock on 1/4/08 diya hua hai, to wo kaun sa stock hoga? Next year ka opening stock. Last year ka jo opening stock. Are previous year ka bacha hua stock. To matlab ye saal ka opening stock. Opening stock. Aur opening stock. Opening stock kahan jayega? ट्रेडिंग डेबिट, टू इफेक्ट्स और वन, जस्ट वन रिकॉर्डेड, ठीक है? सो लिख दो टीडी, टीडी मीन्स ट्रेडिंग डेबिट, टीडी टीसी पीएलडी पीएलसी ए एंड एल, यू टू गेट व्हाट आई से, टीडी ट्रेडिंग डेबिट, टीसी पीएलडी पीएलसी ए एल लाइव, परचेजेस salaries PLD PNL debit, getting that? Short pencil se lightly likho. Carriage inwards TD. Carriage outwards PLD PNL debit, that's also an expense, right? Return inward is sales return, less from sales, TC minus. Ek minute, wages samjha, salary samjha, carriage inward TD, carriage outward PLD, power and fuel फैक्ट्री है, मतलब टीडी फैक्ट्री का सब खर्चा किधर जाता है? ट्रेडिंग में जाता है, फैक्ट्री दिया। अरे पावर एंड फ्यूल किधर लगता है? फ्यूल चार्जेस, पावर फ्यूल गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी कोल को किधर यूज होता है? प्रोडक्शन, याद है पीपी? हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन टीडी एंड पीएलडी? व्हाट इज द लॉजिक? If an expense is related to purchase or production of goods, it goes to trading debt. Otherwise, P&L debt. Yaad aaya? Hello, hello. Advertisement? PLD. PLD. P&L debt. Office expense? PLD. Office. Office. GoSAM wale yaad hai? 5. General Office Sundry Admin Miscellaneous. Ye wo hai. Ye hamesha P&L debt. Printing and stationery? P&L debt. P
पीएनएल डेबिट, इसका एक बताया था पीएनएल डेबिट के लिए, और आप क्या याद रख सकते हो, ऑफिस रिलेटेड, सेलिंग रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड और लॉसेस, ये सब पीएनएल डेबिट। कमीशन पीएनएल डेबिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट कैसे पता चला? ट्रायल बैलेंस दिख रहा है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड अलग है। ऑल एसेट्स एंड ऑल एक्सपेंसेस आर विच बैलेंस? डेबिट। एंड ऑल इनकम्स एंड लाइबिलिटीज? मोमेंट ऑफ एनलाइटनमेंट, अगर कोई आइटम ट्रायल बैलेंस के डेबिट में तो वो क्या हो सकता है, एसेट या एक्सपेंस हो सकता है। रिटर्न इनवर्ड इज व्हाट? सेल्स रिटर्न इज व्हाट? ट्रेडिंग क्रेडिट से माइनस, इट इज लाइक एन एक्सपेंस ओनली, बट प्रेजेंटेशन के लिए इनकम से माइनस कर, इनकम में नहीं लिखा है, इनकम से माइनस कर, इस तरह का एक्सपेंस ही हो। लॉजिक समझा? तो अगर डेबिट साइड कोई आइटम है तो वो आइटम क्या है, या तो एसेट है या तो एक्सपेंस है, और क्रेडिट में तो वो क्या है, इनकम या लाइबिलिटी। समझा? वो आपका बड़ा सा एकदम ब्रॉड बाइफर्केशन होगा। कमीशन कहां जाएगा? फर्नीचर, मशीनरी, एसेट, कैश इन हैंड, एसेट, ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स माइनस फ्रॉम कैपिटल। ड्रॉइंग्स आर वैसे एसेट्स, बट प्रेजेंटेशन के लिए कैपिटल से माइनस क्यों? क्योंकि कैपिटल का पैसा ओनर को देना है और ड्रॉइंग्स का पैसा ओनर से लेना है, तो नेट करके दिखा दो। समझा क्या करना है? ड्रॉइंग्स लेस फ्रॉम कैपिटल, डेटर्स एसेट, बिल्स रिसीवेबल एसेट, पीछे है कैपिटल राइट हैंड साइड, लाइबिलिटी एल परफेक्ट, डिस्काउंट रिसीव, पीएनएल क्रेडिट की ट्रेडिंग क्रेडिट, इनकम है बट इनडायरेक्ट इनकम है, तो पीएलसी सेल्स, सेल्स आर व्हाट? सेल्स कहां जाएगा बताओ? ट्रेडिंग क्रेडिट, सेल्स आर टीसी, ट्रेडिंग क्रेडिट, यू गेटिंग दैट? ओ भैया नील, रिटर्न आउटवर्ड्स इज व्हाट? व्हाट इज रिटर्न आउटवर्ड? परचेज रिटर्न्स, परचेज रिटर्न्स क्या करते हो? माइनस फ्रॉम परचेज, तो टीडी माइनस, टीडी माइनस, क्रेडिटर्स लायबिलिटी, बिल्स पेएबल, सॉर्टेड सब आइटम्स, कोई डाउट किसी में? पक्का पक्का? ये तो ट्रायल बैलेंस है, अभी एडजस्टमेंट कहां दिए होंगे पता है? ट्रायल बैलेंस के नीचे। तो पढ़ो, क्लोजिंग स्टॉक वॉज वैल्यूड एट 32,000, मिला? मतलब ये लोग बोलना चाह रहे हैं कि हमने जितना परचेज डायरेक्ट खर्च किया उसमें से 32 बच गया, तो 32 क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट क्या होगा? एक तो ट्रेडिंग में से माइनस करने के बदले कितना दिखाओ? क्रेडिट में टीसी, ट्रेडिंग क्रेडिट, एंड व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट? एक्सपेंस घटा, एसेट बढ़ा, उधर लिख दो टीसी स्लैश क्लोजिंग स्टॉक एट बाय बाय क्लोजिंग स्टॉक, और इधर से क्लोजिंग स्टॉक, और इधर से क्लोजिंग स्टॉक, टीसी स्लैश ए, टीसी स्लैश ए, ऐसा टीसी स्लैश ए, इसका मतलब समझा? वन इफेक्ट इज ट्रेडिंग क्रेडिट, वन इफेक्ट इज एसेट, क्लोजिंग स्टॉक नीचे दिया है ना उसके बाजू में, ले लो टीसी स्लैश ए, फाइनल अमाउंट राइट है। अभी बताता हूं मैं, कॉपी करो, खुद का दिमाग पर लगाओ, पहला समय ध्यान दो, देखो ध्यान से, डोंट डू हाई, एक एक आइटम आराम से करने का, पोस्टिंग करते जाने का, कॉपी करने का मार्क्स मिल रहा है यहाँ पे, समझ रहे? स्टॉक ऑन 1/4/2008 विच स्टॉक इज दैट? 30,000 मिला। अच्छा क्वेश्चन इज इनर कॉलम में लिखने का कि आउटर कॉलम? तो आउटर में, इनर में कब लिखने का? जब कुछ प्लस माइनस हो ना तो इनर, अदरवाइज आउटर। ये इनर कॉलम इज जस्ट फॉर प्लस माइनस और कुछ नहीं, सो 30,000 स्ट्रेट आउटर कॉलम। ओके, नाउ परचेजेस इनर और आउटर कॉलम? इनर, इनर कॉलम, बिकॉज
हाँ परचेज रिटर्न माइनस का तो नेट अमाउंट आउटर में जाता है समझा भी माइनस फ्रॉम बट इनर और आउटर पर बोलो वाय अरे सेल से ये माइनस करोगे तब नेट मिलेगा ना समझ रहे हो सेल्स रिटर्न है वो 2500 लेस फ्रॉम सेल्स परचेज में से माइनस मत कर देना समझा वेजेस बोलो चुप रहे एकदम बोलो बोलना अरे चुप रहने बोलो कैसे बोलेगा वेजेस किधर जाएगा वेजेस अकाउंट है ना ये सारे के सारे अकाउंट ही है एसी 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 एक्चुअली सब में लिखना चाहिए लेकिन हम लोग किसी में भी बने को फाइनल अकाउंट से चाहिए मैंने ना एक लाइन छोड़ के लिखना है सैलरी क्यों पता एनी गेस ग्रॉस प्रॉफिट है ना इधर से इधर आता है लेकिन इधर से इधर ग्रॉस लॉस आता है क्योंकि इधर क्रेडिट पर ग्रॉस प्रॉफिट यहां पे दिखेगा ना इधर से यहां पे आएगा क्रेडिट और लॉस यहां आएगा अब 99% सब में क्या आएगा आपको पता है सब ग्रॉस प्रॉफिट यहां फिर भी सेफ साइड के लिए छोड़ देने का इतना ग्रॉस लॉस आया तो उसके क्या अरे तो मतलब पहले लाइन पे आना चाहिए लाइन नहीं छोड़ेगा तो नहीं फिट होगा वो फिर ऐसा नहीं चलेगा टू ग्रॉस लॉ ऐसा एरो करके बताएगा वो गलत है समझा क्या रेज इन्वर्ट कहा जाएगा बताओ बताओ ऐसे वो पढ़ने का तो है नहीं ट्वेल्थ के बाद दिल्ली में बैठने कैरेज इनवर्ट इज ट्रेडिंग डेबिट बराबर है हेलो हेलो इकबाल कैरेज आउटवर्ड्स